जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मोटर का डेल्टा में हम कनेक्शन कैसे करते हैं। कोई या हमारी कोई थ्री फेज की कोई मोटर है, उसका हम डेल्टा में कनेक्शन कैसे करेंगे, इस वीडियो में हम समझेंगे। पूरी वीडियो को यदि आप ध्यान पूर्वक देख लेते हैं तो आप एकदम से हमेशा के लिए समझ जाएंगे। कभी भी कोई भी आपको डाउट नहीं रहेगा कि डेल्टा में कनेक्शन हम कैसे करें। पिछली वीडियो में मैंने आपको स्टार के विषय में बताया था, स्टार कनेक्शन कैसे करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको डेल्टा में कनेक्शन करने के लिए बता रहा हूँ। आप पूरी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखिएगा, अब आपको कभी भी डाउट नहीं होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे ही आपके सामने अगर कोई थ्री फेज की मोटर आती है, आपको जो भी कनेक्शन कहा जाएगा, स्टार में कहा जाएगा, स्टार में या डेल्टा में कहा जाएगा, तो डेल्टा में आप तुरंत कनेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो पिछली वीडियो को मैं इसके वीडियो के सजेशन में डाल दूंगा, वहां पर आप देख लीजिएगा। फिलहाल अभी आप मोटर का डेल्टा में कनेक्शन देखिए। देखिए, जो हमारी इस तरह से एक थ्री फेस मोटर होती है, सेम इस तरह से ही होती है। इसके ऊपर ये टर्मिनल बॉक्स होता है। ठीक है, इस टर्मिनल बॉक्स में देखिए, यहाँ पर ये चार नट बोल्ट होते हैं। इनको जब आप उठाएंगे, यहाँ से खोलेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे से वाइंडिंग निकल के आती है, ये टर्मिनल बॉक्स होता है। तो इसका जो टर्मिनल होता है, जब आप इसको खोलेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा। ठीक है, इस प्रकार का कुछ टर्मिनल बॉक्स होता है। अब इसमें होता क्या है, ये देखिए, ये अंदर से तार निकल के आते हैं, ये वायर के तार होते हैं, ये इस तरह से वाइंडिंग के तार होते हैं, ये निकल करके इस तरह से आकर के यहाँ पर कनेक्ट होते हैं। ये नट बोल्ट दिया जाता है, इसी नट बोल्ट में हम सप्लाई के तारों को कनेक्ट करते हैं। अब कैसे कनेक्ट करते हैं वो मैं आगे आपको बताता हूँ। फिलहाल अभी आप ये समझ लीजिए कि ये जो तार होते हैं, इसमें जो नट बोल्ट में जो वाइंडिंग के तार लगे होते हैं, ये कैसे होते हैं। देखिए, यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ है, WUV, ये कुछ लिखा हुआ है, U1, ठीक है, U2, ये कुछ लिखा हुआ है, ये कोडिंग है होती है। जब भी आप टर्मिनल को खोलेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से लिखा मिलेगा, U1 V1 और W1 लिखा हुआ मिलेगा, और U2 V2 और W2 लिखा हुआ मिलेगा। छह तार होते हैं। अब इन छह तारों का मतलब यह होता है कि ये तीन, क्योंकि ये मोटर जो है हमारी कितने फेज की है, तीन फेज की है, तो इसमें तीन कॉयलें होती हैं। तीन कॉयलें कौन कौन सी, देखिए इस प्रकार से एक कॉयल, आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूं इसको, इस तरह से तीन कॉयलें होती हैं। तो इन तीनों कॉयलों का एक सिरा ये, एक सिरा ये, एक सिरा ये, तीन सिरे हो गए, अलग अलग कॉयल हो गए, और ये एक दो तीन, मतलब पहली कॉयल का ये एक सिरा, दूसरी कॉयल का ये दोनों सिरे, और तीसरी कॉयल के ये सिरे। तो ये छह तार होते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ, एक दो तीन चार पाँच छ, छह तार हमारे इस तरह से होते हैं। छह कनेक्शन के लिए टर्मिनल बनाए जाते हैं। कुल मिलाकर के होते कितने हैं, कितनी कॉयलें होती हैं, तीन कॉयल होती है, एक दो तीन, तीन कॉयलें होती हैं। अब ये कैसे होती हैं, क्या होता है, आगे हम आपको आगे समझते हैं। जो हमारी मोटर होती है उसकी जो नेम प्लेट होती है, जैसा मैंने आपको बताया कि W2 U2 V2 और U1 V1 W1, इस प्रकार से मैंने आपको अभी बताया कि इस तरह से लिखा हुआ होता है। और इसके ऊपर जो कनेक्शन होते हैं वो इस प्रकार से किए जाते हैं। अब कैसे कनेक्शन किए जाते हैं, आइए समझ लेते हैं। देखिए, जो अंदर से जो क्वायर निकलती है वो कुछ इस प्रकार से होती है। मैंने आपको बताया था अभी, इस प्रकार से तीन क्वायरें हमारी होती हैं। ठीक, अब इन तीनों क्वायर में क्या होता है, ये हो गया हमारा U1, ये हो गया हमारा U2, एक ही क्वायर हुई है, ये हो गया हमारा V1 और ये हो गया हमारा V2, ये दूसरी कॉयल हो गई, और ये हो गया हमारा W1 और ये हो गया हमारा W2, ये हमारी तीसरी कॉयल हो गई। यही कॉयलें मोटर के अंदर होती हैं। अब ये तीन कॉयलें हैं हमारी। अब इन तीनों कॉयलों में क्या होता है कि हमें सप्लाई देनी होती है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने आपको स्टार कनेक्शन में बताया था कि जब स्टार में कनेक्शन हम करते हैं मोटर को, तो उसकी जो एक कॉयल होती है उसको हम 220 वोल्ट या सिंगल फेस की सप्लाई देते हैं। ठीक है, जब हमारा मोटर का कनेक्शन स्टार में होता है, लेकिन जब हम मोटर का कनेक्शन डेल्टा में करते हैं, तो हम जो एक क्वायर होती है उसको हम थ्री फेस देते हैं। थ्री फेस मतलब हो गया 415 वोल्ट की सप्लाई देते हैं। ठीक है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भी कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जब स्टार में कनेक्शन होगा तो 220 वोल्ट की सप्लाई होगी, जब डेल्टा में कनेक्शन होगा तो थ्री फेस की सप्लाई होगी, 415 वोल्ट की सप्लाई होगी। अब ये रहा हमारा डेल्टा में कनेक्शन। अब इसमें हमें क्या करना है कि
देखिए इसमें जो लीड आती है, जो सप्लाई का जो तार आता है, जब स्टार में कनेक्शन होता है तो तीन फेस ही होते हैं, यही तीन फेस आर वाई वी, यही तीन फेस होते हैं। और जब डेल्टा में हम कनेक्शन करते हैं तो भी वही तीन फेस हमारे आते हैं आर वाई वी। जब हम स्टार डेल्टा को पढ़ेंगे तो वहां पर जो है दो केबलें आती है, एक केबल ये हो जाती है और एक केबल ये हो जाती है, मतलब दो केबलें मिल करके मोटर सप्लाई देती है। लेकिन जब हम डेल्टा में केवल कनेक्शन करते हैं तो केवल एक ही केबल होती है, और जब स्टार में कनेक्शन करते हैं तो भी एक ही केबल होती है। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि स्टार कनेक्शन में सिंपल आपने 220 वोल्ट देनी है, कोई बात नहीं। अब यहां पर क्या है कि जब हमने मोटर को डेल्टा में हमें कनेक्शन करना है तो उस जगह पर भी मोटर में केबल तो वही आएगी ना, उसी केबल से हमें डेल्टा में कनेक्शन करना होता है और उसी केबल से हमें स्टार में भी कनेक्शन करना होता है। तो हम कैसे कनेक्शन करेंगे आइए समझते हैं। अब इसमें आपको कनेक्शन करना है, तो देखिए सबसे पहली बात ये हो गई कि हमने क्या बताया कि एक क्वायल को हमें कितना देना है, 415 वोल्ट देना है। तो 415 वोल्ट कैसे देंगे, देखिए इसको हम इसके साथ जोड़ दें, ठीक, इसके साथ जोड़ दिया, इसको हम इसके साथ जोड़ दें, ठीक है, और इसको हम ला करके ऐसे हम जोड़ दें, ठीक है। देखिए अब अगर हम इस जगह पर यहां पर यदि मैं आर देता हूं, यहां मैं वाई देता हूं, और यहां पर यदि मैं बी सब फेज देता हूं, तो देखिए क्या होगा। यहां पर जब मैं आर फेस दूंगा ना, तो देखिए यहां पे आर फेस आया। अब ये हमारी एक क्वाइल है, अब इस बार में देखिए आर फेस आया, इस जगह पर हमें आर फेस मिल गया। अब ये जो दूसरा सिरा है यहां पर हमें दूसरा फेस चाहिए, तो कितना, तभी तो 415 वोल्ट होगा। अब यहां पर देखिए बी फेस जो है ये यहां पर हमने शॉर्ट करके ला करके हमने यहां पे लगा दिया, तो यहां पर हमें क्या मिल गया, बी फेस मिल गया। तो यहां पे आर, यहां पर बी, दो फेस आ गए, हमारा 415 वोल्ट हो गया। अब यहां पर देखिए वाई फेस, यहां पर हमारा वाई फेस यहां पर हमें मिल गया, यहां पर इस जगह पे वाई फेस मिल गया, ये एक क्वाइल है। अब इस वाले हिस्से में यहां पर हमें एक फेस और चाहिए, तो ये देखिए आर फेस से हमने शॉर्ट कर दिया है, ठीक, तो यहां पर हमें आर फेस मिल गया, तो यहां वाई मिल गया, यहां आर मिल गया, ये भी हमारा 415 वोल्ट हो गया। अच्छा अब इस जगह पर देखिए यहां पर हमने क्या बी फेस दे दिया, तो बी फेस तो इस जगह पे हमें मिल गया। अब इस जगह पे हमें एक फेस और चाहिए, तो ये देखिए हमने वाई फेस कनेक्ट किया था, यहां वाई फेस मिल गया, तो ये कुल मिला करके यहां पर भी 415 वोल्ट हो गया। तो यहां पर हमने एक क्वाइल को कितना वोल्ट दिया, यहां पे आर फेस दिया, यहां पे बी फेस दिया, तो 415 वोल्ट यहां कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। यहां पर देखिए वाई फेस दिया और यहां पर हमने आर फेस दिया, तो यहां पर भी 415 वोल्ट कंप्लीट हो गया, और यहां पर हमारा बी फेस और यहां पर हमारा वाई फेस, तो यहां पर भी 415 वोल्ट हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये मोटर हमारी डेल्टा में चल जाएगी, ठीक है। अब यहां पर देखिए यहां पर हमने इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर बना देता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए अभी मैं यही चीज आपको यहां पे समझा दूंगा, ठीक, यहां पर देखिए ये हो गया हमारा, इसके बाद ठीक है ये हो गया, इसके साथ ये कनेक्टेड है, इसके साथ ये कनेक्टेड है, यहां पे हमने कनेक्ट कर दिया। अब देखिए ये U1 ये हो गया U2 V1 V2 W1 W2, ठीक। यहां पर देखिए यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा, ये देखिए ये W2 है और W2 कहां पे है, यहां पर W2 है, ठीक है। तो ये और ये मिल करके एक क्वाइल हो गई। अच्छा यहां पर देखिए U2 है और U2 यहां पर है, तो ये दोनों मिलकर के एक क्वाइल हो गई। और ये V2 है और ये V1 है, तो ये दोनों मिलकर के एक क्वाइल हो गई, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। अब आप यहां पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से इस चीज को देखिएगा, देखिए इस जगह पे हमने R फेस दिया। अब ये आर फेस यहां पे आया किस जगह पे, U1 पे हमें आर फेस दिया हमने, और देखिए V1 पे हमने पीला फेस दिया और W1 पे हमने नीला फेस दिया। अब देखिए ये हमने क्या रखा है, ये शॉर्ट कर रखा है ना, ये भी हमने शॉर्ट कर रखा है, ये भी हमारा शॉर्ट है,
ठीक, तो यहां से यहां पर भी सप्लाई पहुंचेगी, यहां से यहां पर सप्लाई पहुंचेगी, यहां से यहां पर सप्लाई पहुंचेगी, मतलब यहां से जब नीला फेस चलेगा ना तो नीला फेस यहां पर तो पहुंचेगा ही पहुंचेगा, इसके सॉर्टिंग के माध्यम से यहां पर भी नीला फेस पहुंच जाएगा, मतलब यहां पर भी ब्लू फेस पहुंच जाएगा। अब यहां पर येलो फेस यहां पे आ गया है, अब येलो फेस ही इसके सॉर्टिंग के माध्यम से यहां पर भी हमारा येलो फेस पहुंच जाएगा, पीला फेस पहुंच जाएगा, और यहां पर देखिए हमारा लाल फेस आ रहा है ना, तो ये इसकी सॉर्टिंग के माध्यम से यहां पर भी रेड पहुंच जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए देखिए U1 को हमने कौन सा यहां पर दिया, रेड फेस दिया U1 को, और U2 को हमने क्या दे दिया, पीला फेस दे दिया। ठीक है, ये हमारा Y हो गया, तो U2 को हमने कौन सा दे दिया, पीला फेस दे दिया, तो 415 वोल्ट हो गया, यहां पर हमने R दिया, यहां पर हमने Y दे दिया, तो ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद अब ये वाला देखिए, इस जगह पर जो हमने V1 को हमने कौन सा दिया, पीला फेस दिया, तो V2 को हमने कौन सा दे दिया, नीला फेस दे दिया, मतलब V1 को हमने दिया पीला और V2 को हमने दे दिया नीला फेस, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया 415 वोल्ट। अब यहां पर देखिए W1 को हमने कौन सा फेस दिया, ब्लू फेस दिया, नीला फेस दिया, ये नीला फेस दे दिया, और W2 को, ये W1 को क्या दिया, नीला, और W2 को हमने क्या दे दिया, R फेस दे दिया, तो यहां पर भी 415 वोल्ट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से मोटर को हमने 415 वोल्ट दे दिया। ध्यान रखिएगा कि जब मोटर को हमको, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, देखिए मैं आपको बता देता हूं इस प्रकार से, और एक मैं यहां पर और बना देता हूं, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पर इसको हम मान लेते हैं W2, U2, V2, और ये हो जाएगा हमारा U1, और ये हो जाएगा V1, और ये हो जाएगा W1। अच्छा, इसी चीज को यहां पर भी लिख देते हैं W2, U2, V2, और ये हो जाएगा U1, V1, W1। ठीक है, अब देखिए अगर आपको मोटर को स्टार में कनेक्शन करना है, तो मैंने जैसा कि पिछली वीडियो बताया था कि इन तीनों को आपको शॉर्ट कर देना, मतलब स्ट्रिप को जो शॉर्टिंग होगी वो इस प्रकार से होगी, और यहां पर हम तीनों फेस दे देंगे, ठीक, इस प्रकार से होगा। और जब डेल्टा में हम कनेक्शन करेंगे तो इसको हम इस तरह से शॉर्टिंग कर देंगे, और एक में हम फेस दे देंगे इस प्रकार से। तो मतलब डेल्टा में इस प्रकार से शॉर्टिंग करनी है, और स्टार में हमें इस प्रकार से शॉर्टिंग करनी है, तो आपका यही स्टार और यही डेल्टा में कनेक्शन हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये डेल्टा का जो सिंबल होता है वो इस प्रकार से होता है, देखिए L1 एक फेस हमने यहां दे दिया, एक फेस यहां दे दिया, एक फेस यहां दे दिया। अब देखिए ये U1, U2, W2, W1 और V1, V2। अब देखिए यहां पर एक फेस आ गया यहां पे, और इस हिस्से में, और इस हिस्से में एक फेस, देखिए मतलब L2 यहां पे आया, L1 यहां पे आ गया, 415 वोल्ट कंप्लीट हो गया। अब यहां पर देखिए L3 यहां पे आया, और ये यहां पर L1 आ गया, तो ये W2 और W1 ये एक कॉइल है, तो इन दोनों को 415 वोल्ट मिल गया। अब यहां पर देखिए L1 यहां पे आ रहा है, और L2 यहां पे आ रहा है, और U1 U2 है, तो एक कॉइल ये हुई, तो इसको भी दोनों फेस अलग अलग मिल गए, तो इन तीनों में हमारा 415 वोल्ट इसको मिल जा रहा है। तो ये मोटर हमारी डेल्टा में कनेक्शन हो गया, मोटर हमारी डेल्टा में चलेगी। अब देखिए जब मोटर के अंदर की जो प्लेट होती है, जैसा मैंने आपको बताया था कि देखिए स्टार जो होता है उसको हम कैसे कनेक्शन करते हैं, स्टार में इस प्रकार से कनेक्शन करते हैं, यहां तीनों फेस देते हैं, और जब हम मोटर को डेल्टा में कनेक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको इस प्रकार से हम शॉर्टिंग करते हैं, और यहां पर हम तीनों फेस दे देते हैं। सेम वही चीज है, देखिए ये देखिए हमने इस प्रकार से शॉर्टिंग कर दी है, ये हमारा डेल्टा में कनेक्शन है। ठीक है, अगर हम इस प्रकार से शॉर्टिंग करते, अगर हम इस चीज को इस प्रकार से शॉर्टिंग करते तो हमारा स्टार में कनेक्शन हो जाता। ठीक है, क्योंकि देखिए U V2 U2 W2 ये तीनों तीनों एक एक सिरे हो गए, तो इनमें हमको इस प्रकार से शॉर्टिंग कर देते तो ये हमारा स्टार में कनेक्शन हो जाता, और इसको जब हमने इस प्रकार से शॉर्टिंग कर दी है तो ये हमारा डेल्टा में कनेक्शन हो जाएगा। यहां पर हमें आर देना है, यहां पर हमको वाई देना है, और यहां पर हमको बी देना है, और मोटर हमारी डेल्टा में चल जाएगी।
तो इस प्रकार से आप मोटर का कनेक्शन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि मोटर का डेल्टा में कनेक्शन हम कैसे करेंगे। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट रह गया तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, मैं आपको बेहतर से बेहतर तरीके से आपकी सहायता करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मेरा एक वेबसाइट है, ब्लॉग है, जिसका नाम है www.targetelectrician.com। वहाँ पर आप जरूर विजिट करिए, वहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लिखे गए हैं। वहाँ पर आपको एक बेहतर से बेहतर जानकारी मिलेगी, बहुत सारे इमेजेस का उपयोग किया गया है जिससे आपको किसी चीज़ को समझने में काफ़ी आसानी होगी। एक बार जरूर आप विजिट करिए, निश्चित ही आपको वहाँ पर फायदा होगा। तो आज वीडियो बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।